गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी संडे। दिस इज़ अपर्णा वंस अगेन हियर। सो आज आपको मैं बताऊंगी मेकअप ट्यूटोरियल, जैसे कि मैं किस हिसाब से मेकअप करती हूँ। तो जैसे कि एक सिंपल सा मेकअप जैसे आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे उसमें से एक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले विनती रहेगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबा के, और बेल बटन की जो है नोटिफिकेशन के लिए वो दबा दीजिएगा, तो आपको आगे जाके जो है अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। जैसे मेकअप ऑब्वियसली आज के टाइम में से एवरी फीमेल जस्ट लव्स, मतलब जो भी ओकेजन है या जैसे ऑफिस में है, ऑब्वियसली मेकअप करके जाती हैं टू लुक गुड। सो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेकअप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको मैं बताऊँगी आई शेडो किस हिसाब से आपको लगाना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे मेरे पास अभी जैसे लैक्मे का सीसी क्रीम है, ऑब्वियसली आई प्रेफर दिस वन। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ ये लगा के जाती हूँ। इतना सा मैंने इसमें लगाया है, और मैं ये जो शेड यूज़ करती हूँ ये है हनी शेड है। ये हनी शेड, जैसे मैं स्किन विटिश है तो मैं हनी शेड नॉर्मली यूज़ करती हूँ। पर मेकअप लगाने से पहले हमेशा आपको जो फेस अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, और आपकी थोड़ी का स्किन ड्राई है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह पहले आप लगा दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने अभी लगा लिया है, थोड़ा सा यूज़ करना है। जैसे देखिए मैंने पूरा इक्वली इसको मैंने यूज़ कर लिया है। जैसे आई शेडोज के अगर बारे में, अगर आज जो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली एक है आई शेडो के बारे में आपको मैं बताऊंगी। मेन मेरा जो टॉपिक आई शेडो को लेके है, तो अभी मेरे पास देखिए जैसे मैं इसमें यूज करूंगी नेचर शेड। जैसे नेचर यानी क्या होता है, फूल और पत्ते का। तो उस हिसाब से मैं आपको डबल आई शेडो मैं आपको बताऊंगी किस हिसाब से आपको लगाना है। तो मेरे पास देखिए जैसे पिंक कलर का है, जैसे मेरी स्किन विटिश है तो मैं इसमें जैसे विटिश स्किन के अंदर नॉर्मली जो पिंक अच्छा जाता है, इसमें पिंक कलर का आई शेडो जो है, तो मैंने आई शेडो अभी खोल दिया है, ये डब्बा खोल दिया। अभी ये जैसे मेरा ब्रश है, ये विगा का ब्रश है, इजिली मेकअप ब्रश इजिली मार्केट में अवेलेबल है। अब आई शेडो लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपको इसको ऐसे करके नहीं लगाना, उल्टे से लगाना है। जैसे एक आंख में मैंने आधा इसमें यूज कर लिया है, जैसे देखिए आधा मैंने अभी इसमें यूज कर लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे देखिए आधा मैंने इसमें लगाया है अभी, और अभी आधा मैं क्या करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास अभी जो ये ब्राउन शेड है, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ये पुराना ये ब्राउन शेड मेरे पास अभी अवेलेबल है, ब्राउन शेड में इसमें से लगाऊँ। ये भी ब्राउन शेड यानी जैसे ये फूल का कलर है पिंक कलर, अब मैं यूज़ करूँगी जैसे ब्राउन शेड इट इज़ फॉर दैट स्टेम, जैसे डाली है उसका। जैसे देखिए मैंने ये ब्राउन शेड यूज़ किया है, देख पा रहे हैं ये जैसे मैंने डबल शेड यूज किया हुआ है। और ये पिंक और ब्राउन शेड ऐसा है जो हर किसी कम्प्लेक्शन के साथ इजीली जाता है। जैसे आई शेडोज अगर आप यूज करते हैं तो नॉर्मली जैसे आपके ड्रेस के साथ आप यूज करते हैं, राइट, जैसे ड्रेस का कलर जैसा वैसा आप यूज करते हैं। अभी यूनिवर्सली अगर ये सबके साथ ये शेड आप जो है कोई भी आप ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, जैसे कोई भी कलर का ड्रेस है, तो इसी से आपको ये डबल शेड है आपको ऐसे लगाना है। सो ये है आज मेरा आई शेडो का जो डबल आई शेडो मेकअप का ट्यूटोरियल है। नेक्स्ट आपको मैं जैसे बताऊंगी, जैसे मैं नॉर्मली जैसे अगर ऑफिस जाती हूँ मैं, तो मैं कैसे मेकअप अप्लाई करती हूँ इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाली हूँ। सो गाइस आप ये वीडियो जरूर से शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको इजिली आपको गाइडेंस मिले इसका। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है रेड बटन आपको प्रेस करना है, और बेल बटन प्रेस करनी है आपको नोटिफिकेशन के लिए। गाइस स्टे ट्यून्ड, हैव अ प्लेजेंट वीकेंड, हैव फन, थैंक यू।